Madame था पर दर्द भी थक गई हूँ। क्या करे वो आपके लिए? मेरी दीदी सच्ची दर्द। ये बस वैसे ही इसने मजाक में ही कह दिया। मम्मा पापा तो मारती है। अच्छा मम्मा पापा को मारती हैं? मम्मा गुस्से में ड्रैगन बन जाती है। मम्मा गुस्से में ड्रैगन बन जाती हैं। हनी मुझे बताइएगा, आपको आमिर लियाकत अंकल का पता है? हाँ जी। कौन है वो? दो चैन की तरह डांस करते हैं। स्नेक की तरह डांस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रहे हैं जो अपने मामा पापा की अंदर की बातें बताकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इमरान खान साहब से इतना तंग है कि इसके दुख की कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बच्ची कितना इमरान खान साहब से तंग है कि उन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि बच्ची दुख सुना रही है कि मेरी चीज़ें महंगी हो गई हैं, मेरी चीज़ें महंगी हो गई हैं। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे मन के सच्चे हैं, लेकिन आज इस बच्ची ने ये साबित कर दिखाया। हमारे साथ मौजूद हैं हरीम खान। अस्सलाम वालेकुम। बच्चन साहब, क्या हाल है बेटा? ठीक हूं। अच्छा मुझे बताएं कि आप इतनी बातें करती हैं, आपको ये बातें सिखाता कौन है? पता नहीं। शरद भाई मुझे बताइएगा कि लास्ट टाइम ये बच्ची का इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें ये बता रही है कि मामा पापा को मारते हैं, कि पता नहीं मामा पापा को मारती हैं, असल कहानी है क्या? ये बस वैसे ही इसने मजाक में ही कह दिया। मम्मा पापा तो मारती है। अच्छा मामा पापा को मारती हैं? श्रोत भाई ये नहीं है, कोई ना कोई कहानी जरूर है जो ये बच्ची बोल रही है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनका सियासत से कोई लगाव नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर यही होता है कि मतलब मजाक में बंदा कभी मस्तियां वगैरह कर रहा हो तो बच्चे समझ रहे हैं कि शायद ही मार रहे हैं एक दूसरे को, तो ये भी समझ सकते हैं बच्चे। तो यही इसकी कह लेंगे बच्चों की यही शरारत ही होती है। अच्छा हरी मुझे बताओ कि आप जब मामा पापा को मारती हैं तो आप मामा को मना नहीं करती मेरे प्यारे पापा को ना मारें? नहीं। क्यों? मामा मारती जाती है, बात नहीं सुनती मेरी। तो मामा आपकी बात भी नहीं सुनती? नहीं। क्यों? बस आप मामा को ना, मामा मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, प्यारी प्यारी बेटी हूँ, और प्यारी प्यारी बेटी की जो बात हो वो माननी चाहिए। मामा गुस्से में ड्रैगन बन जाती है। मामा गुस्से में ड्रैगन बन जाती हैं। अच्छा हरी मुझे बताएं, आप जू जाती हैं? हाँ जी। जू में कौन सा एनिमल आपको पसंद है? जैसे आपकी तरह होता है। मेरी तरह का होता वो कौन है? लॉन। अच्छा बब्बर शेर। नाज़रीन बच्चे मन के सच्चे होते हैं, देखिए कि बच्ची को भी शेर मेरे में से नजर आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं और आपको वहाँ कौन कौन सा एनिमल पसंद है? ओ, हिप्पो। हिप्पो और तू भी नहीं। हिप्पो किसको कहते हैं? मुझे। आप भी जानवर हैं? मुझे बताओ आप भी जानवर हैं? हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि आपके मम्मा पापा में से आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मा। पापा नहीं करते? क्या बात है, पापा आपको जीजी नहीं लाके देते? ऑफिस चले जाते हैं ना। तो आपको जीजी नहीं लाके देते? नहीं। क्यों? जीजी कौन लाके देता है? मम्मा। पापा नहीं लाके देते? पापा को बोलो पापा मुझे जीजी लाके दे। पापा जी जीजी। हनी मुझे बताइएगा, आपको आमिर लियाकत अंकल का पता है? हाँ जी। कौन है वो? दो चैन की तरह डांस करते हैं। स्नेक की तरह डांस करते हैं। शादियां बहुत करते हैं। ले आमिर लियाकत साहब, आप बच्चों के भी फेवरेट हो गए हैं सिर्फ शादियों की वजह से। अच्छा मुझे बताइएगा, आप उनका शो देखती हैं? हाँ जी। कौन सा शो? जिसमें कहते हैं उफ उफ। अच्छा मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब का पता है आपको? पता है, इमरान था पर दर्द भी थक गई हूँ। क्या करे वो आपके लिए? मेरी जिजिया सच्ची दर्द। अच्छा आपकी जीजियां सस्ती कर दे। अच्छा मुझे बताएं कि कोई गाना आता है आपको? ये पोएम जी। नाज़रीन आपने हरीम खान की पोएम सुनी, अगर आपको समझ लगी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इन्होंने क्या कहा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।